कर्नाटक राज्य के बंगलुरु में बीते शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के साथ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ कर तमाम शिव प्रेमियों की भावनाओं को आहत किया है। इसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र राज्य भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में भी अखिल भारतीय मराठा महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर विरोध दर्ज किया है। अखिल भारतीय मराठा महासंघ की दिग्रस शाखा ने सोमवार को स्थानीय तहसीलदार के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कर्नाटक राज्य के बंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के साथ छेड़छाड़ की गंभीर घटना के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज किया गया है। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान संगठन ने उपरोक्त घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ की गई बेहुदा हरकत को कर्नाटक राज्य सरकार के लिए शर्मनाक करार दिया है। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग भी की गई है। हालांकि इस घटना को लेकर कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के बयान पर भी संगठन ने आपत्ति दर्ज की है। उनका कहना है कि कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने इस घटना को हल्के में लेते हुए इसे छोटी घटना करार दिया है, जबकि दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आयोजित एक समारोह में अपने भाषण में छत्रपति शिवाजी महाराज की शूरता और उनके साहस को याद करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति आदर व्यक्त किया था, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ हुई शर्मनाक छेड़छाड़ को हल्के में लिया है। ये बड़ी गंभीर बात है, जिस पर संगठन पदाधिकारियों ने रोष व्यक्त किया है। कर्नाटक एकीकरण वेदिनी या संघटनेने तीव्र निषेध व्यक्त केला आणि त्यापैकी काही जणांनी 16 डिसेंबरच्या रात्री शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची विटंबना केली, परंतु तेथील कर्नाटक येथील सरकार त्या घटनेमध्ये दोषी असणाऱ्या लोकांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करता तेथील शिवप्रेमी लोकांवर गुन्हे दाखल करत आहे, त्या गोष्टीचा सुद्धा आम्ही इथं निषेध व्यक्त करतो। काल परवाच काशी येथे झालेल्या कार्यक्रमामध्ये भारताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी यांनी शिवाजी महाराज यांच्या कार्याचा शौर्याचा जयजयकार केला आणि त्यांचेच मुख्यमंत्री वसंतराज बोम्मई हे या घटनेला छोटीशी गोष्ट लहान गोष्ट आहे असे व्यक्त करतात। मी त्याही गोष्टीचा इथं निषेध व्यक्त करतो। ज्या लोकांनी या घटनेमध्ये चुकीची बाजू घेतली तसेच या कार्यामध्ये ज्यांचा वाटा आहे त्या दोषीवर कारवाई व्हावी, त्यांना लवकरात लवकर अटक व्हावी अशी मी इथे उपस्थित सर्व संघटनेच्या तसेच शिवप्रेमीच्या वतीने विनंती करतो। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी खुद को प्रखर राष्ट्रवादी पार्टी कहलवाती है। ऐसे में राष्ट्र निर्माता और राष्ट्रनायक शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ बीजेपी शासित कर्नाटक राज्य में हुई शर्मनाक हरकत को कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बोम्मई द्वारा हल्के में लिया जाना चिंता की बात है। बहरहाल छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरवशाली इतिहास न सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का प्रतीक है। ऐसे में उनकी छवि को धूमिल करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना समय की मांग है। बहरहाल ज्ञापन सौंपते समय संगठन के तहसील अध्यक्ष दिलीप महिपाल, सुरेश झोड़, सुरेंद्र इंगले, प्रवीण मालाधरे, अशोक ताड़े, रविंद्र अरगड़े, प्रज्योत अरगड़े, शुभम कुल्टे, प्रवीण मोरे आदि सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और सदस्य प्रमुखता से उपस्थित थे। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।